श्रीमद् भागवत का कथन है कि भगवान जो सर्व कारणों के कारण है और भक्त वत्सल है, उनकी सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। जो व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं का निरंतर स्मरण करता है, उसे स्वतः मुक्ति मिल जाती है। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च देयः पूज्यश्च नित्यतः। मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर उन भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन तथा गुणगान करना चाहिए, जो भक्तों के परम रक्षक हैं। साहित्य, नाट्य, नृत्य, गीत, काव्य आदि संस्कृति के वे विभिन्न अंग हैं जो विषयोन्मुख होने पर पतन कराते हैं। जड़ीय सुख के साधन बनाने पर इन कलाओं से संस्कृति का नाश हो जाता है। इसी के विरुद्ध जब यही कलाएं भगवत कथा में युक्त होती है, तब भक्ति भाव से सभी प्राणी मात्र के जीवन शुद्ध तथा मंगलमय हो जाते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन करता है या दूसरों को ऐसी भक्ति रूपी सेवा करते देखकर हर्षित होता है, वह निश्चय ही उन भगवत चरणों में आश्रय पाता है जो जन्म मरण के प्रवाह को रोकने वाले हैं। भगवान के ऐसे ही परम प्रिय शुद्ध भक्त थे श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु हरे कृष्ण आंदोलन शुरू किया। कलियुग में अवतरित स्वयं भगवान के अवतार्य अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में श्रील प्रभुपाद ने निर्भयता से माया शक्ति के विरुद्ध ऐसा युद्ध छेड़ा जिससे पूरे विश्व के बद्ध जीवों के लिए शुद्ध भक्ति मार्ग के द्वार खुल गए। वृद्धावस्था एवं जर्जर शरीर के बावजूद श्रील प्रभुपाद भागवत धर्म के प्रचार में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने पर आतुर थे, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान भावग्राही जनार्दन है। वे भक्त की सेवा में जो भाव है, जिस भावना से सेवा की हुई है, उसे देखते हैं, न कि सेवा के परिणाम को। भागवत सेवा का यह उत्साह, धैर्य, निश्चय एवं निर्भयता भक्त को स्वयं भगवान ही प्रदान करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम की एक प्रतिज्ञा उद्धृत है, सकृत एव प्रपन्नो इह तव अस्मिति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। एक बार भी जो मेरी शरण में आता है और कहता है कि मैं अब आपका हो गया हूँ, उसे सर्व प्रकार के भय से मुक्ति मैं स्वयं देता हूँ, यही मेरा व्रत है। आप सभी सज्जनों के, वैष्णव गण के आनंद हेतु जो नाटिका अब प्रस्तुत हो रही है, उसकी विषय वस्तु भी इसी प्रेम संबंध पर आधारित है जो भगवान और उनके भक्तों के बीच में सदैव रहता है। भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में वनवास में थे, तो राक्षसों के राजा रावण ने कपट से सीता जी का हरण कर लिया। लंकाधीश रावण, जो महाशक्तिशाली, बलवान, युद्ध कला में निपुण था, उसे एक वृद्ध पक्षी गिद्धराज जटायु ने रोका। सीता माई की रक्षा में राम भक्त जटायु ने उस महाबली रावण को ललकारा, जो प्रयास निश्चित रूप से मृत्यु को निमंत्रण था, पर भगवत सेवा में निर्भयता और अपना सर्वस्व उनके प्रेम में अर्पण करने की आतुरता में दुर्बल पक्षी जटायु ने सर्वशक्ति से रावण का ऐसा विरोध किया कि संपूर्ण राम लीला में वह त्याग और भक्ति का एक प्रेरक प्रसंग बन गया। भगवान श्री राम स्वयं गिद्धराज जटायु का समर्पण देखकर व्याकुल हो गए। श्री राम की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाला अनन्य भक्त जटायु प्रेम भाव में कृतार्थ होकर भगवत धाम लौट गया। देवियों एवं सज्जनों, आइए प्रेरणा लेते हैं राम भक्त जटायु की इस पावन लीला को देखकर।
सावधान सावधान सावधान। लंकाधिपति दशानन महाराज रावण राज्यसभा में पधार रहे हैं। अत्याचार, रावण की बहन पर अत्याचार, और ये घाव कैसा है तुम्हारे नाक पर? ये घाव नहीं है महाराज, तलवार से प्रहार किया गया है। प्रहार? किसने किया ऐसा साहस? यह प्रहार मेरे नाक और कान पर नहीं हुए हैं, यह प्रहार लंकेश्वर रावण पर किए गए हैं। शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है भैया, यह लंकेश्वर रावण की नाक काटी गई है। क्या मतलब भैया? आप स्वेच्छाचार और विषय भोग में चूर हैं। क्या आपको मालूम है कि आपके शत्रु ने आपकी छावनी को विध्वंस कर रखा है? क्या छावनी को विध्वंस कर दिया है? तो जन स्थान में बैठे खर दूषण क्या कर रहे थे भैया? खर और दूषण युद्ध स्थल में वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या खर और दूषण वीर गति को प्राप्त हो गए? खर और दूषण को मारना तो काल के लिए भी असंभव था, तो फिर किसने किया ऐसा साहस? भैया एक मानव ने उन्हें मार डाला। असंभव। खर और दूषण को मारना तो काल के लिए भी असंभव। खर और दूषण पराक्रम बल और शक्ति में हमसे कम नहीं है। एक मानव ने उन्हें मार डाला, हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। शूर्पणखे ठीक ठीक बताओ कौन है वो? भैया उसका नाम राम है।
राजा दशरथ का पुत्र है, उसकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी है, उसका रूप कामदेव के समान है, उसके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही थी। वह महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष उठाता, कब भयंकर बाण हाथ में लेता और कब उन्हें छोड़ता, यह मैं नहीं देख पा रही थी। ये राम कोई मायावी लगता है, पर उस समय खर और दूषण क्या कर रहे थे? भैया, खर और दूषण के साथ 14,000 बलशाली राक्षस थे, फिर भी राम ने अकेले होते हुए उन सब का नाश कर दिया। क्या उस राम के साथ और कोई नहीं था? था भैया, था। उसके साथ उसका एक भाई था जो बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान है और अपने भाई का भक्त है। उसी क्रूर मानव ने, उसी क्रूर मानव ने मेरा यह हाल बना। उसने तुम्हारा रूप बिगाड़ने की हिम्मत कैसे की? भैया, उनके साथ एक स्त्री भी थी जिसके रूप और अंग की तुलना करने वाली स्त्री देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों के स्त्रियों में भी नहीं है। उसकी आंखें विशाल और रूप पूर्ण चंद्रमा की तरह सुंदर है। उसका रंग सोने जैसा है। उसका नाम सीता है भैया। वह राम की पत्नी है। जिस प्रकार संसार के सब उत्तम वस्तुओं पर आपका, सिर्फ आपका अधिकार बनता है, तो फिर संसार के सबसे सुंदर नारी पर आपका अधिकार क्यों ना हो? आपका ही विचार ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा सीता को आपके ही राजमहल की शोभा होनी चाहिए। ऐसा सोचकर मैं उस स्त्री को उठाने के लिए गई, तब उस क्रूर लक्ष्मण ने मेरी हंसी उड़ाई और मेरा अपमान करके निर्दयता से मेरे नाक और कान काट डाले। बस करो सुप्रभा, क्षमा करे महाराज, मेरा हृदय अपमान की ज्वाला से भड़क रहा है। यदि आप में आत्मसम्मान की भावना है और यदि आपको अपनी बहन के अपमान का बदला लेना है, तो आज ही उस स्त्री को छल से या बल से छीन कर ले आइए और उन दो मानवों को मेरे हवाले कर दीजिए। फिर मैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार दंड दूंगी, तभी मेरा अपमान का बदला पूरा होगा, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। भैया अवश्य शूर्पणखा, अवश्य। अब हम हमारे तुम्हारे अपमान और हमारे भाइयों की मृत्यु का बदला लेना ही हमारा प्रथम कर्तव्य समझते, अन्यथा संसार के लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। रावण जो काल का भी काल है, जो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है, जो मृत्यु को भी मारने का साहस रखता हो उसके मार्ग में आने का साहस, हम उस सुंदर स्त्री को जरूर हर लेंगे।
राक्षसों के राजा लंकाधीश रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा की रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनी, उसके अहंकार पर कुछ ऐसा आघात हुआ कि वह राक्षस क्रोध से आग बबूला हो उठा। रावण, जो भौतिक दृष्टि से बड़ा ज्ञानी, विद्वान एवं शास्त्र निपुण था, उसने अपने आप से तर्क वितर्क किया, मंत्रीगणों से सलाह ली, लेकिन अब जब उसके पापों का घड़ा भर चुका था, उसकी बुद्धि ने भी उसका साथ छोड़ दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान से ईर्ष्या करने वाले उस राक्षस के मदोन्मत्त हृदय में पवित्र देवी सीता माई का भोग करने की तीव्र वासना उत्पन्न हुई। वो सीता माई जो केवल भगवान श्री राम को समर्पित पतिव्रता पत्नी थी। रावण ने सीता को हरण करने का निश्चय किया। उस हीन पाप कर्म को साध्य करने के लिए उसने मायावी विद्या में प्रवीण राक्षस मारीच को योग्य समझा। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर से लिप्त अहंकारी राक्षस राज लंकाधीश रावण अपने स्वर्णमयी विमान पर सवार होकर उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां राक्षस मारीच निवास करता था। हरीश महाराज, महाराज आप, महारथी रावण का मेरे आश्रम में स्वागत है। महाराज, आपने यहां आने का कष्ट उठाया? आपके राज्य में सब कुशल तो है लंकेश्वर? तात मारीच, विकट समस्या का समाधान करने में तुम जैसा बुद्धिशाली और कोई नहीं, इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। परंतु महाराज, मैंने तो मायावी विद्याओं का प्रयोग करना छोड़ दिया है। अब मैंने छल कपट का त्याग करके संन्यास लिया है, फिर भी मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? दंडकारण्य में हमारे भाई खर और दूषण और हमारी बहन शूर्पणखा अन्य राक्षसों के साथ बिना डर के विचरते थे। एक मानव जिसका नाम राम है, उसने खर और दूषण को 14,000 राक्षसों सहित मार डाला है। राम, श्री राम ने? हाँ, राम ने। उसने बिना डर और बैर के हमारी अबला बहन के नाक और कान काटकर उसका रूप बिगाड़ दिया है। हम उसका बदला लेंगे, हम उसकी सुंदर स्त्री को बलपूर्वक छीन लेंगे। मारीच, पराक्रम और युद्ध में तुम्हारे समान और कोई नहीं है, इसलिए इस काम में तुम हमारी सहायता करो। नहीं राजन, नहीं, आप श्री राम को बिल्कुल नहीं जानते, वो तो बहुत ही पराक्रमी है।